हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ES6 इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इस टाइम मार्केट में ES6 बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है। कहने का मतलब है, हमको ES6 बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और अगर आप मान लीजिए रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या नोड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या एंगुलर का, व्यू का, या मर्न का, या मीन स्टैक का, कहने का मतलब है, या मतलब फुल स्टैक डेवलपर, तो हर जगह कहने का मतलब है कि ES6 के क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट ES6 ही यूज़ होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ES6 सही से नहीं आती है, ठीक है, तो हो सकता है आपको रिएक्ट में या नोड में या एंगुलर में, जिसमें भी आप काम करते हैं, उसमें काम करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि आपको ES6 बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और इसके अलावा एक बात और कि मतलब ये समझ लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं आती हैं, लेकिन इंटरव्यू में ज़रूर पूछी आती हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ES6 के अंदर 50% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, और 50% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी का भी, रिएक्ट वगैरह का, तो आप ES6 अच्छे से करके जाइए। ये मत देखिए कि ये टॉपिक आपका यूज़ में नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ जो ES6 के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, चाहे आप इसको रिएक्ट में ऐड कर लीजिए, चाहे आप इसे नोड में कर लीजिए, चाहे एंगुलर में, किसी में भी कर लीजिए, मतलब ये ES6 की क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे सामने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट। अब व्हाट इज़ द आउटपुट का मतलब ये नहीं है कि यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैंने आपके सामने एक सैम्पल रखा हुआ है, कुछ कुछ इस टाइप के सैम्पल पूछे जाते हैं। एक मैंने एग्जांपल के लिए बना रखा है, एक सेट टाइम आउट लगा दिया, और इसमें मैंने एक फंक्शन कॉल किया, यहाँ जीरो लिख दिया, ठीक है, और ये फॉर लूप चला दिया, तो ये इसका आउटपुट है। कैसे आउटपुट आया? अब कहने को अगर यहाँ सेट टाइम आउट में मान लीजिए 1 होता या 2 होता, कोई नंबर होता, तो हम सोचते कि ये कुछ देर वेट करेगा, ठीक है, कहने का मतलब पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेटिंग में है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे जीरो लिखा है तो हमको ऐसा लगेगा कि ये तो जीरो है, तो कोई टाइम ही नहीं दिया, इसका मतलब पहले ही आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा कोड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर 1 होता, मान लीजिए यहाँ 1 या 2 नंबर होता था, तो आप सीधे बोल देते पहले आउटपुट आएगा और फिर ये वाला आएगा। लेकिन इस वाले केस में आप ये बोलोगे जब जीरो दिया है तो इसका मतलब पहले ये आ सकता है फिर ये आ सकता है, ये इसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले आपका आउटपुट आएगा 2 और फिर उसके बाद 1 आएगा, भले जीरो दिया है लेकिन ये कुछ ना कुछ तो वेट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये है इसका आउटपुट। तो ये थोड़े इस टाइप के कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रख के जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर यही पूछा जाएगा, मैं सैम्पल बता रहा हूँ। इसके अलावा, हाउ मैनी टाइप ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम कितने टाइप के फंक्शंस बनाते हैं, जैसे नेम्ड फंक्शन, जो कि हम लोग पहले बनाते थे, सबसे पहले नेम्ड फंक्शन ही बनाया करते थे। इसके अलावा एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, मतलब जिसमें फंक्शन में नाम नहीं होता है, ठीक है, ऐसी फंक्शन एक्सप्रेशन होता है। मैं सबके बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ इतने टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन, IIFE फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन, इतने टाइप के फंक्शन बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाएगा एरो फंक्शन क्या होता है, IIFE क्या होता है, तो ये सब भी आपको करके जाना है, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, एनोनिमस फंक्शन, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है एनोनिमस फंक्शन क्या होता है।
इन एनोनिमस फंक्शन वी क्रिएट अ फंक्शन विदाउट फंक्शन नेम। देखिए ये फंक्शन बना हुआ है और इसमें फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। तो इस तरीके से ये है, ये इसका कोड है, इसका आउटपुट आया, बस यही अंतर है, कुछ नहीं है। इसके अलावा व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप? प्रिमिटिव डेटा टाइप आर इम्यूटेबल, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप इम्यूटेबल होते हैं, मीन्स वी कांट चेंज द वैल्यू। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप एक ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिनको हम लोग, जिनकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी चेंज द वैल्यू, जब भी हम उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं तो न्यू वैल्यू क्रिएट कर देता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है लेंथ इक्वल टू 20, अगर नीचे हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 40 तो एक नई वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 30, मतलब जो भी जितनी बार वैल्यू चेंज करेंगे उतनी बार नए नए वेरिएबल्स उसके क्रिएट होते चले जाएंगे, ठीक है। दे कैन होल्ड सिंगल वैल्यू, इसके अंदर केवल एक ही वैल्यू स्टोर होती है, किसमें? प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। इट स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर, ये हमेशा लोअर केस लेटर से स्टार्ट होते हैं। इन दिस डाटा ऑलवेज हैव ए वैल्यू, इसमें क्या होता है, हमेशा डाटा के मतलब इन इस टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही होती है। इट इज ए प्री डिफाइंड, इन्हें हम लोग प्री डिफाइंड भी बोल सकते हैं डेटा टाइप, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, बूलियन, अनडिफाइंड, सिंबल, नल, मेनली यही 6 टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये सब हम लोग इनको प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल बना रखे हैं, ये नंबर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ये बूलियन हो गया। इसके अलावा ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज म्यूटेबल, मतलब इन्हें हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू, हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि जितनी बार वैल्यू चेंज करेंगे वो हर बार नया नया क्रिएट, ऐसा नहीं करेगा, उसी में पर्टिकुलर उसी एड्रेस पे ले आके वैल्यू चेंज करेगा। इट इज कॉल्ड रेफरेंस टाइप, इसे हम लोग रेफरेंस टाइप भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे रेफर टू ऑब्जेक्ट, वो एक एज ए ऑब्जेक्ट रेफर करते हैं। इट स्टार्ट विथ अपर लेटर, ये हमेशा अपर लेटर से स्टार्ट होते हैं। इट कैन बी नल, इसे आप नल भी कर सकते हो, ब्लैंक भी कर सकते हो। इट इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्रामर आप कह सकते हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हो, इस टाइप से हम लोग खुद बनाते हैं, लाइक एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सिटी बना रखा है, ये एक एरे है, इसमें हमने 3 वैल्यू डाल रखी हैं, और ये हमने क्या बना रखा है, एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसमें इस तरीके से वैल्यू डाल रखी हैं। तो ये थे हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने कुछ ही इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इस ESCIS के इंटरव्यू सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे फीडबैक मिलेगा तभी तो मैं सोचूंगा कि मुझे इस टाइप के और भी वीडियोस बनाने चाहिए ESCIS के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ES6 आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ES6 बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स ट्राई करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में एक बेल आइकन होता है उसे प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिनिश होता है, धन्यवाद, बाय बाय।